चंडीगढ़ में कर्फ्यू हटाकर लॉकडाउन लगाने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन से सवाल किया। चंडीगढ़ रेड जोन में है फिर भी कर्फ्यू में ढील किस आधार पर दी गई और जवाब देने के लिए प्रशासन को 24 घंटे का वक्त दिया गया। मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी तो सुकमा और रोज गार्डन में शहर और ट्राई सिटी में बेरोक टोक वाहनों के प्रवेश को याचिकाकर्ता एडवोकेट पंकज चांदघोटिया ने गृह मंत्रालय के आदेशों की अवहेलना बताया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को गृह मंत्रालय की 1 मई को जारी हुई गाइडलाइन का हवाला देते हुए कहा, रेड जोन और कंटेनमेंट एरिया में सख्त तरीके से गाइडलाइन लागू कराने की हिदायतें थीं जिसे प्रशासन ने दरकिनार किया। चंडीगढ़ प्रशासन की दलील ये रही कि प्रशासन ने छूट दी लेकिन एडवाइजरी जारी करते हुए उसकी पालना करना अनिवार्य बताया। वहीं केंद्र की तरफ से पेश हुए एडिशनल सीनियर सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया, चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के क्लॉज 14 का पालन नहीं किया। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही पेशेंस से कम 100 मिनट ये सुनवाई पूरी चली। मैंने सारे फिर आर्गूमेंट्स अपने रेज करे कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने 7 बजे से लेकर 7 बजे तक अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट अलाउ कर दिए हैं, कंटेनमेंट जोन्स की डेफिनेशन गलत है, MHA गाइडलाइन के हिसाब से नहीं है, मार्केट कम्प्लेक्सेस उन्होंने खोल दिए इंटरनल सेक्टर के, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपना पक्ष रखा। फिर बेंच ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के वकील को सारे तथ्य पूछे, वह कोई भी चीज़ को सही नहीं ठहरा पाए